गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटेटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि पार्ट 22 डिस्कस करने जा रहा हूँ। हमने अप टू पार्ट 21 तक डिस्कस किया है दोस्तों, प्लीज़ हैव ए लुक, जो भी दिया गया है दे आर ऑल वेरी यूजफुल। सो चलिए देखते हैं इनमें क्या क्या दिया गया है। द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, जो कि मिडनाइट से लेकर नून तक जो भी ड्यूरेशन होता है उसको हम एंटी मेरिडियन कहते हैं, यानी AM। अब उसके बाद जो टाइम होता है जिसको PM कहते हैं। अब PM का अब्रिवेशन क्या है आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वन हु इज़ डैबलर इन आर्ट्स साइंस और लिटरेचर, जो कि काफ़ी अच्छी एक्सपीरियंस कह सकते हैं उसको साइंस या लिटरेचर या आर्ट्स में एक्सपर्ट है या डैबलर कह सकते हैं उसको हम डिलेटेंटी कहते हैं, या एक्सपीरियंस्ड से जो भी पर्सन है उसको हम वेटरन कहते हैं। फियर ऑफ हाइट्स, जिनको काफ़ी ऊंचाई से काफ़ी डर लगता है एक्रोफोबिया कहते हैं। अब जो इंसान ज़्यादा इंक्लोज्ड स्पेस से डरता है उसको क्या कहते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वन हु हाइट्स अवे ऑन ए शिप टू ऑब्टेन ए फ्री पैसेज, जो कि जहाज़ में छिप जाता है, जो कि फ्री में इस पार से लेकर उस पार जाना चाहता है बिना पैसे दिए हुए, उनको हम कहते हैं स्टो अवे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, स्टो अवे कहते हैं। एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, आपके साथ एक ऐसा लॉटरी लग जाता है उसको हम कहते हैं विंडफॉल, मतलब एक साथ आपको पूरा एकदम लॉटरी लग जाना, अनएक्सपेक्टेड जीत कुछ भी समझो। पर्टनिंग टू कैटल, जो कि बोवाइन कहते हैं, बोवाइन यानी जो कि आप गाय वगैरह जो होता है ना कैटल, उसकी कंसर्निंग। इन कोल्ड ब्लड, यानी उसको कोल्ड ब्लड्स मार दिया गया है, मतलब डिलिबरेटली इंटेंशनली मारा गया है। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, आपको कोई भी गलत काम कर रहे हो या सही काम कर रहे हो, आपके एक कंसाइंस होता है, यानी आपके अंदर एक आत्मा होता है जिससे आपको कहते हैं कि ये काम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसको हम कंसाइंस कहते हैं। रिलीज ऑफ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर आपका कोई घर के अंदर मर जाते हैं, अगर आप जेल के अंदर हो या आपका कोई हादसा हो जाता है, आपको कुछ वक्त के लिए आपको छोड़ा जाएगा जेल से, उसको हम पैरोल कहते हैं। टू रिनाउंस ए हाई पोजिशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, जिसको हम कहते हैं अबडिकेट, जो कि रिनाउंस ए हाई पोजिशन ऑफ अथॉरिटी और कंट्रोल, मतलब आप छोड़ देना, इतनी अच्छी आप पोस्ट है उसको आप छोड़ देना, उसको अबडिकेट कहते हैं। अब बात आता है एन ऑब्जेक्ट और ए पोर्शन सर्विंग एज ए सैम्पल, जो कि स्पेसिमेन होता है, एक ऐसा एक ऑब्जेक्ट होता है या पोर्शन सर्विंग एज ए सैम्पल, जिसको हम स्पेसिमेन कह सकते हैं, वो एक सैम्पल याद रखना चाहिए। रेफरेंडम क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ सबमिटिंग ए प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, जिसको हम कहते हैं एक ऐसी प्रैक्टिस है सबमिटिंग ए प्रपोजल टू पॉपुलर वोट, उसको हम रेफरेंडम कहते हैं। कोड ऑफ डिप्लोमेटिक एटिकेट एंड प्रेसिडेंस, जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं, आपको पता होना ज़रूरी है। ये प्रोटोकॉल वो चीज़ है जो कि आप कहीं भी चले जाते हो, सबसे पहले जैसे कि लोअर लेवल वाले आते हैं, उसके बाद जो लास्ट में आता है वो हायर लेवल वाला, यानी प्रेसिडेंट कह सकते हैं, वो लास्ट में आता है, क्योंकि वो फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है और सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस है। प्रेसिडेंट से पहले कौन आता है? प्राइम मिनिस्टर आता है। तो एक छोटा डिप्लोमेटिक एटिकेट्स होता है और प्रेसिडेंट्स के हिसाब से उनको बिठाया भी जाता है, उसको हम प्रोटोकॉल के हिसाब से बिठाते हैं। ए राउंड और सिलेंड्रिकल कंटेनर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स सच एज फूड, केमिकल्स और रोल्स ऑफ फिल्म, जो कि कैनिस्टर होता है जिनके अंदर हम इस हिसाब से सिलेंड्रिकल कंटेनर्स को या फूड मटेरियल केमिकल्स को हम इस तरह का रखते हैं, उसको हम कैनिस्टर कहते हैं। आप फायर फाइटिंग करते वक्त आप देखे होंगे कुछ लोग मास्क पहनते हैं, मास्क के अलावा एक छोटा सा एक आप राउंड शेप में आपको देखने को मिलता है, जो कि
सांस लेते वक्त उस केमिकल को फिल्टर करता है, उसको हम कहते हैं कैनिस्टर। ये भी आप याद रखिएगा। ए प्लेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, जैसे कि आप कोई भी सिलेक्शन हो जाता है, आपको पता होना जरूरी है आपके पास डोमिसाइल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब बात आता है दैट कैनॉट बी अल्टर्ड और विदड्रॉन, जिसको आप विदड्रॉ नहीं कर सकते या अल्टर भी नहीं कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं इरेवोकेबल, जिसको आप रिकवर नहीं कर सकते हैं उसको इरेवोकेबल कहते हैं। अब बात आता है इरेज्ड प्लेस ऑन विच ऑफरिंग टू गॉड आर मेड। आप जानते हैं जब मंदिर में जाते हैं या चर्च में जाते हैं, एक ऐसा जगह बनाया हुआ रहता है हाइटेड, जिसमें आप डोनेशन देते हैं भगवान के प्रति, उस जगह को हम अल्टर कहते हैं। अब बात आता है दोस्तों रोस्ट्रम क्या चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ए वुडन टेबल यूज्ड फॉर स्पीच गिवन, आप देखते होंगे कहीं कहीं स्पीच देते हैं और माइक रहता है और माइक एक वुडन टेबल के ऊपर रखता है, उस वुडन टेबल को हम रोस्ट्रम कहते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अफिडेविट, जो कि एक रिटन डिक्लेरेशन होता है मेड ऑन ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट, जो कि आपको मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में आपको देना होता है, जिसको हम अफिडेविट कहते हैं। ए पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ एंड नॉट अबाउट अदर नीड्स, वो ऐसा इंसान है जो कि वो सोचता है कि अपने बारे में, दूसरों के बारे में जो भी रिक्वायरमेंट है उनके बारे में नहीं सोचता है, उस किस्म का इंसान को ईगो सेंट्रिक कहते हैं दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों ए गाइड पोस्ट पॉइंटिंग आउट वे फॉर ए प्लेस, जिसको हम कहते हैं फिंगर पोस्ट दोस्तों, एक ऐसा गाइड है पोस्ट है जहाँ पे पॉइंटिंग आउट वे फॉर ए प्लेस, जिसको हम फिंगर पोस्ट कहते हैं। गवर्नमेंट बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑल पावरफुल पर्सन्स, एक ऐसा गवर्नमेंट है जो कि काफ़ी पावरफुल पर्सन्स के हिसाब से बनाया रहता है, उस गवर्नमेंट को ओलिगार्की कहते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी ग्रुप्स देखने को मिलेगा स्मॉल ग्रुप्स उस पावरफुल पर्सन से, उसको ओलिगार्की कहते हैं। अगर कोई सिंगल है जैसे कि मोनार्की कहते हैं, क्वीन एलिजाबेथ आप जानते हैं वो मोनार्की है इंग्लैंड के। अब वन डिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर, जो कि इनडिफरेंट क्या होता है, जो कि उसको आर्ट एंड लिटरेचर से उतना लगाव नहीं है, इनडिफरेंट कह सकते हैं, मतलब काफ़ी इंटरेस्ट असल है ही नहीं, उसको फिलिस्टाइन कहते हैं दोस्तों। आपको पता होना ज़रूरी है ओपन टू इंजूरी आर क्रिटिसिज्म, जिसको हम वल्नरेबल कहते हैं, जहाँ पे आप क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है और इंजूरी, उस जगह को वल्नरेबल कह सकते हो। वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो कि नुमिस्मैटिज्म कहते हैं उस साइंस को, और नुमिस्मैटिस्ट कहते हैं उस बंदे का नाम, यहाँ पे बंदा पूछा गया, यहाँ पे नुमिस्मैटिज्म की जगह नुमिस्मैटिस्ट होना चाहिए, ठीक है। नुमिस्मैटिज्म एक ऐसी उसका स्टडी है। फिलाटेली, जो कि स्टैम्प्स के बारे में जो डील करता है, उसको फिलाटेली उस स्टडी को कहते हैं, फिलाटेलिस्ट उस इंसान को कहते हैं जो कि इकट्ठा करता है। दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइएगा और आप ज्वाइन हो सकते हैं डिफेंस आईसीटी टेलीग्राम में, 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स देखने को मिलेगा, अलग अलग हमने बनाया गया है प्लेलिस्ट, आप लोग उस पर गौर करिएगा। अगला देखिए ए नैरो प्लेस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मासेस ऑफ लैंड, एक ऐसा नैरो प्लेस ऑफ लैंड है जो कि टू लार्ज मासेस ऑफ लैंड जो कि कनेक्ट किया जाता है, उसको हम इस्तुमस कहते हैं, जो कि आप जानते हैं बड़े बड़े लैंड, दो लैंड बीच में आप एक ऐसी देखने को मिलता है नैरो प्लेस। आप अंडमान में जाएंगे वहाँ पे भी आपको इस तरह का देखने को मिलेगा, इवन आप पेनिनसुलर ऑफ इंडिया जहाँ पे कन्याकुमारी सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट जो है, आप ठीक उसी हिसाब से आप कह सकते हो। अब बात आता है ए जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर्स, जो कि एक माफ़ किया जाता है उसको अमनेस्टी कहते हैं, गवर्नमेंट टू पॉलिटिकल ऑफेंडर जो भी करते हैं उसको इस हिसाब से एक पार्डन यानी माफ़ कर दिया जाता है, उसको अमनेस्टी कहते हैं। अब बात आता है कॉन्डोमिनियम, एक अपार्टमेंट है बिल्डिंग, एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज़ ओन सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन इट बट आल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरियाज, इसको हम कंडोमिनियम कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ड। ए ग्रुप ऑफ थ्री पावरफुल पर्सन को हम
ट्राइम्वायरिएट कहते हैं। दोस्तों आपको पता होना ज़रूरी है, आज के टाइम पे ये ट्राइम्वायरिएट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप लाल बाल पाल सुना होगा, ये लोग एक्सट्रीमिस्ट है या ये लोग पेसिमिस्ट, जो भी एक्सट्रीमिस्ट है कि या मॉडरेट्स है, इनको हम ट्राइम्वायरिएट कहते हैं। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे लाल बाल पाल ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट है या मॉडरेट है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक्सट्रीमिस्ट है तो एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट है तो मॉडरेट। और यहाँ पे ट्राइम्वायरिएट जो कि तीन लोग, इनको हम कहते थे और ये क्यों कहते थे आपको पता होनी चाहिए, किस सेशन की वजह से इनको इस तरह का नाम दिया गया है आपको पता होना ज़रूरी। अगर नहीं पता है तो मॉडर्न हिस्ट्री की जो भी मैंने बनाया गया प्लेलिस्ट उसको आप देखिएगा। अगला देखिए साइंस रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, उस तरह का साइंस जो भी क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग, उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। दोस्तों ए पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिज़ायर एंड प्रेजुडाइजेस, जिसको हम कहते हैं डीमैगोग। एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर है जो अपीलिंग टू पॉपुलर डिज़ायर एंड प्रेजुडाइजेस, जिसको डिमोगॉग कहते हैं। दोस्तों वन हु इज़ अनअफेक्टेड और इंडिफरेंट टू जॉय पेन प्लेजर और ग्रीफ, जिसको हम कहते हैं स्टॉइक। दोस्तों जो कि अनअफेक्टेड है, इंडिफरेंट टू जॉय और पेन और प्लेजर कह सकते हैं। ए पर्सन हु इज़ ग्रेटली रेस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, जो कि उस इंसान को काफ़ी ग्रेटली रेस्पेक्टेड है बिकॉज ऑफ विजडम, जिसको हम वेनरेबल कह सकते हैं उस इंसान को। अब बात आता है आउटराइडर, ए पर्सन इन ए व्हीकल और ऑन ए हॉर्स बैक एस्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल। आप जानते हैं जो कि व्हीकल और हॉर्स बैक एस्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल, जिसको हम आउटराइडर कहते हैं। जैसे कि आप कोई भी ऑफिशियल होता है उस ऑफिशियल को भी एस्कॉर्ट करते हैं, उनको हम आउटराइडर कह सकते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, जो कि सीरीकल्चर होता है, फिशीकल्चर जो कि फिश के बारे में। पॉलिटिशियंस आर नोटोरियस फॉर डूइंग अनड्यू फेवर टू देयर रिलेटिव्स, जो कि आप जानते हैं नेपोटिज्म, जो कि पॉलिटिकल पार्टी जो भी लोग होते हैं उन अपना अपना कहीं भी जगह कहीं भी चले जाओ एक पार्शियलिटी होता है, उसको हो नेपोटिज्म कहते हैं। ए पर्सन हु हेल्प्स इवन ए स्ट्रेंजर इन डिफ़िकल्टी, एक ऐसा इंसान है जो कि डिफ़िकल्टी में एक स्ट्रेंजर को काफ़ी अच्छा हेल्प कर देता है, उसको हम समारिटन कहते हैं। अगला दोस्तों मीनिंगलेस लैंग्वेजेस विथ एन एग्जैगरेटेड स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस, जिसको हम कहते हैं रिटोरिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मीनिंगलेस लैंग्वेज विथ एन एग्जैगरेटेड स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस, जिसको हम रिटोरिक कहते हैं। दोस्तों द पोलिटिकल लीडर हैज़ एन ईविल रेपुटेशन नॉट ट्रस्टेड, जिसको हम कहते हैं नोटोरियस, जो कि ईविल रेपुटेशन आप देख सकते हो या अब्यूजिव लैंग्वेज कह सकते हो, जिसको हम नोटोरियस कहते हैं। दोस्तों टू रिड्यूस टू नथिंग, जो कि नल होता है, मतलब आप जानते हैं टू रिड्यूस टू नथिंग जो कि नल है दोस्तों। एंड ऑब्वियसली ट्रू और हैकेंड स्टेटमेंट, जिसको हम ट्रूइज्म कहते हैं, जिसको ऑब्वियसली ट्रू या हैकेंड स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है, उसको हम ट्रूइज्म कहते हैं। अगला देखिए एक्रोनिम, वो चीज़ है जो कि द वर्ड कम्पोज ऑफ फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स इन ए फ्रेज, जिसको हम एक्रोनिम कहते हैं, जो कि फर्स्ट लेटर्स ऑफ द वर्ड्स इन ए फ्रेज फॉर्मेट। एक्रोनिम्स काफ़ी आप इंटरनेट पर सर्च करिए व्हाट एग्जैक्टली द एक्रोनिम्स एंड अब्रिवेशन क्या होता है, एक्रोनिम्स क्या होता है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। पारवेनू ए पर्सन ऑफ अब्सक्योर पोजिशन हु हैज़ गेन्ड वेल्थ, एक ऐसा इंसान है अब्सक्योर पोजिशन हु हैज़ गेन्ड वेल्थ, उसको हम पारवेनू कहते हैं। ए स्टडी ऑफ साउंडस को हम लोग कहते हैं फोनेटिक्स कहते हैं। गवर्न बाई ए सेंस ऑफ ड्यूटी, जो कि कंसाइंशियस कहते हैं दोस्तों। और ए पर्सन हु इज़ सेल्फ सेंटर्ड होता है, उस तरह का इंसान को हम ईगोइस्ट कहते हैं, जो कि सेल्फ सेंटर्ड है दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों ए प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाई विच एनीथिंग इज़ आर कैन बी जज, जिसको हम कहते हैं क्राइटेरियन दोस्तों, जो कि एक प्रिंसिपल है, एक स्टैंडर्ड बाई विच एनीथिंग आर कैन बी जज, क्राइटेरियन। एग्जैक्ट वो चीज़ है एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ए बुक ऑफ राइटिंग, आप जानते हैं एक कोई भी किताब से कोई भी राइटिंग है एक्सट्रैक्ट किया गया, उसको हम एग्जैक्ट कहते हैं। एडवोकेट ए पर्सन हु सपोर्ट्स और स्पीक इन फेवर ऑफ समथिंग, जिसको हम एडवोकेट कहते हैं दोस्तों। सैल्वो द फायरिंग ऑफ मेनी गन्स एट द सेम टाइम टू मार्क एन ओकेशन, जब भी आप जानते हैं मार्क ऑफ रेस्पेक्ट देने के लिए, जो कि आप मौनफुल एक्ट होता है, जो कि आप कोई भी मर गया पॉलिटिकल लीडर
उस टाइम पे जैसे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनको एक सैल्वो दिया जाता है या मार्क ऑफ रेस्पेक्ट देने के लिए ये इस तरह का गन फायर्स किया जाता है। अब बात आता है लिस्ट ऑफ डिशेस, जो कि आप मेनू मांगते हैं क्या क्या डिशेस है आज के टाइम पे होटल में, ये आप जानते हैं दोस्तों। फैटलिस्ट यानी जो कि फेट में बिलीव करता है, वो अपना बस फेट में बिलीव करता है, उसको फैटलिस्ट कहते हैं। कॉम्प्लेसेंट यानी स्मगली सेल्फ सेटिस्फाइड को हम कहते हैं कॉम्प्लेसेंट दोस्तों। हैविंग टू डू विद आर्टिस्टिक ब्यूटी यानी एस्थेटिक कह सकते हैं, जो कि आर्टिस्टिक ब्यूटी को उसको एस्थेटिक कहते हैं दोस्तों। रेक्लूज यानी ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, बस वो अपने आप जीते रहते हैं, वो मज़े करते रहता है, उसको हम रेक्लूज कहते हैं दोस्तों। एन एनिमल लिविंग ऑन फिश, वो एक ऐसा एनिमल है जो कि फ़िश के ऊपर निर्भर करता है। आप एग्जाम्पल बियर जानते हैं, जो कि फ़िश पे निर्भर करता है, आप फिजीवोरस एनिमल कह सकते हैं एक किस्म का। आप एग्जाम्पल नॉट ओनली ये बियर जो है फिजीवोरस भी है और बाकी ग्रास भी खाता है, बम्बू खाता है, तो आपको पता होना ज़रूरी है उस तरह का एनिमल को फिजीवोर कहते हैं। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन फादर, जो अपनी खुद की फादर को मार देता है उसको हम पैट्रिसाइड कहते हैं। द पर्सन हु डायरेक्ट्स प्रिपरेशन ऑफ ए न्यूज़पेपर, जो कि एडिटर कहते हैं, जो कि प्रिपरेशन करता है न्यूज़पेपर का। अब बात आता है मैवरिक, मैवरिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ए पर्सन हु डजंट थिंक और बिहेव लाइक एनीवन एल्स बट हैज़ इंडिपेंडेंट अनयूजुअल ओपिनियंस, उस इंसान को मैवरिक कहते हैं। एक ऐसा इंसान है हु डजंट थिंक और बिहेव लाइक एवरीवन बट हैज़ इंडिपेंडेंट अनयूजुअल ओपिनियंस, तभी आप सक्सेस पाओगे अगर आप पॉजिटिव वे में हो तो, मैवरिक कह सकते हैं। द चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट, जो कि काफ़ी कड़क टैलेंट आप देख सकते हो उस बच्चे में, उसको हम प्रोडिगी कहते हैं। जैसे कि गूगल गर्ल है और इस तरह का अलग अलग आप देख सकते हो, गूगल बॉय। ए लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स फायर एट द सेम टाइम, जिसको हम फुसिलेड कहते हैं, जो कि एक साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलेट्स फायर किया जाता है। और ए टॉल एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन को हम लोग अमेजोन कहते हैं, या जाइगेंटिक भी कह सकते हो काफ़ी ह्यूज पर्सनैलिटी को। ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को हम कॉनंड्रम कहते हैं। और द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, जिसको हम एम्पेरियलिज्म कहते हैं दोस्तों। अब बात आता है ए पर्सन हु स्टडीज द ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स को, जो कि एटीमोलॉजी कर कहते हैं, एंटीमोलॉजी नहीं दोस्तों, ENTY नहीं, एटीमोलॉजी, जो कि ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स के बारे में स्टडी करता है। एंटीमोलॉजी यानी जो कि इंसेक्ट्स के बारे में डील करता है। ऑमनीबस यानी ए बुक विच होल्ड्स सेवरल वर्क्स ऑफ वन अनदर, जिसको हम ऑमनीबस कहते हैं, जिसके अंदर सेवरल वर्क्स के बारे में दिया गया है। वन हु डिलिबरेटली डैमेजेस अदर प्रॉपर्टीज़, पीपल्स प्रॉपर्टी, जिसको हम वैंडल कहते हैं, जो कि दूसरों की प्रॉपर्टी को इंटेंशनली डैमेज करता है, वो वैंडलिज्म कहते हैं उस तरह का आर्ट, जो एक्ट को। अब बात आता है बिलीफ इन मिनी गॉड्स, वो इंसान है जो कि काफ़ी भगवान पे भरोसा करता है, उसको पॉलीडिज्म कहते हैं, जो कि एथिस्ट कहते हैं, जो बिलीव नहीं करता है। ए क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स इन ऑन ए ब्रांच, जो कि ब्रांच के ऊपर मैक्सिमम फ्लावर्स देख सकते हो, उसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट ओनली सेल्फिशनेस मोटिवेट्स ह्यूमन एक्शंस, वो इंसान है जो बिलीव करता है सेल्फिशनेस जो है मोटिवेट करता है ह्यूमन एक्शंस को, उस तरह का इंसान को हम साइनिक कह सकते हैं। ये हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन को हम वर्चुअजो कहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा म्यूजिशियन है दोस्तों। अब बात आता है दोस्तों यहाँ पे द मेथड ऑफ बॉयलिंग ब्रीफली टू कुक फूड स्लाइटली, जिसको हम पैरा बॉयल कहते हैं, एक ऐसा मेथड है जो कि बॉयलिंग ब्रीफली टू कुक फूड स्लाइटली, पैर बॉयल। अगला देखिए दोस्तों, द ग्रुप एस्पेशली इन द आर्ट्स रिगार्डेड एज बीइंग द मोस्ट एक्सपेरिमेंट, उसको हम अवेंट गार्ड ही कहते हैं। एक ऐसा ग्रुप है आर्ट्स रिगार्डिंग एज द मोस्ट एक्सपेरिमेंट, सो इसको हम अवेंट गार्ड ही कहते हैं। बेनिफैक्टर, वो इंसान है वन हु हेल्प्स पीपल बाई गिविंग देम मनी और अदर एड, वो ऐसा इंसान है जो कि दूसरों को हेल्प कर रहा है और साथ में पैसा भी दे रहा है, उस तरह का इंसान को हम लोग मैन्युफैक्चरर कहते हैं दोस्तों। ए स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर, जिसको हम कहते हैं पेंचांट कहते हैं दोस्तों, एक ऐसा स्पेशल फॉन्डनेस है और लाइकिंग है, उसको हम पेंचांट कहते हैं दोस्तों। रिलेटिंग टू किंगशिप विद द फादर, जिसको हम पैट्रिलिनियल कहते हैं, जो कि किंगशिप विद द फादर पैट्रिलिनियल।
ए पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली, जिसको हम सिलेबल कहते हैं दोस्तों, एक ऐसा पार्ट ऑफ वर्ड है दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड सेपरेटली। अगला देखिए दोस्तों, पासिंग आउट ऑफ यूज़, जो कि ऑब्सोलेसेंट कहते हैं, जो कि पासिंग आउट ऑफ यूज़ को कह सकते हो। ए ड्रिंक यूजुअली मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ वन और मोर अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जिसको हम कॉकटेल कहते हैं, जिसके अंदर तीन से ज़्यादा आप अल्कोहलिक ड्रिंक्स देख सकते हो। समथिंग दैट माइट हैपन्स इन द फ्यूचर, जिसको हम कंटिजेंसी कहते हैं, जो कि फ्यूचर में होने वाला है उसको कंटिजेंसी कहते हैं। वाइल्ड एंड नॉइसी डिसऑर्डर यानी पैंडीमोनियम कहते हैं, जो कि वाइल्ड एंड नॉइसी डिसऑर्डर को काफ़ी वाइल्ड आपको देखने को मिलेगा, पैंडीमोनियम। मर्सिनरी, ए पर्सन हु इज़ सोलली मोटिवेटेड बाय मनी और पर्सनल गेन, उसको बस पैसा चाहिए, चाहे किसी को भी वो मारने के लिए तैयार है, चाहे वो आप देख सकते हैं कुछ मूवीज़ बनाया गया है इस बेसिस पे, वो पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बस दोस्तों, आप मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको 1300 से ज़्यादा प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए। अगला देखिए दोस्तों, समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर, जो कि प्रीटरनेचुरल यानी जो कि बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर होता है। अगला यूफिमिज्म, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसएग्रीएबल थिंग बाय एन अग्रीएबल नेम, जिसको हम यूफिमिज्म कहते हैं, एक ऐसा डिस्क्रिप्शन है डिसएग्रीएबल थिंग बाय एन अग्रीएबल नेम, यूफिमिज्म। वॉक इन ए प्राउड एंड कॉन्फिडेंट वे, जो कि आप प्राउड के साथ और कॉन्फिडेंट वे के साथ आप चल रहे हो, जिसको हम स्वैगर कहते हैं। अब द पार्ट ऑफ स्टेज इन फ्रंट ऑफ द कर्टन, जो कि कर्टन के सामने जो एरिया होता है स्टेज के ऊपर, उसको हम प्रोजीनियम कहते हैं दोस्तों। अब वो जहाँ पे स्पीच देता है उस माइक को रखे हुए टेबल को हम रोस्ट्रम कहते हैं। वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, वो प्लेजर के लिए काम करता है, वो प्रोफेशनली उतना नहीं है, उसको हम अमेच्योर कह सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, ए रिकरेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टील, जिसको हम क्लेप्टोमैनिया कहते हैं, उनके अंदर काफ़ी रिकरेंट कंपल्सिव अर्ज टू स्टील देखने को मिलेगा। एक्ट ऑफ इंजूरिंग अदर्स रेपुटेशन बाय एनी स्लैंडरस कम्युनिकेशन, उसको हम डिफेमेशन कहते हैं, एक ऐसा एक्ट ऑफ इंजूरिंग अदर्स रेपुटेशन को, दूसरे रेपुटेशन को वो क्या कर रहा है, पूरा बेमानी कर दे रहा है, क्योंकि भाई वल्गर लैंग्वेज या स्लैंडरस कम्युनिकेशन से डिफेमेशन कहते हैं, डिफेम कर देना। ए पर्सन हु एंटर्स विदाउट एनी इन्विटेशन, जिसको हम वो इंसान है जो कि गेट क्रैशर कह सकते हैं, वो बिना इन्विटेशन से अनइन्वाइटेड गेस्ट कहते हैं, इंट्रूडर भी कह सकते हो, जो कि बिना इन्विटेशन से घुस जाता है। एक ऐसा स्टोरी इन विच एनिमल्स आर ऑब्जेक्ट स्पीक एंड गिव होलसम मॉरल लेसन्स, जैसे कि आप क्रो एंड पेबल्स है और लायन एंड रैट है, काफ़ी है जो कि एक पेबल्स है, इस तरह का फेबल्स होते हैं, और जिसमें थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिल जाता है बच्चों के लिए, फेबल कहते हैं दोस्तों। टू फ्री समवन फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, एक्जोनरेट कहते हैं, हर ब्लेम से फ्री कर देना, उसको हम एक्जोनरेट कहते हैं दोस्तों। अगला देखिए, द बरियल ऑफ कॉर्प्स, इंटरमेंट कहते हैं, और ए पर्सन हु डिलिबरेटली सेट्स फायर टू ए बिल्डिंग, जो कि आग लगा देगा बिल्डिंग, उसको एरिजोनिस्ट कहते हैं, एक ऐसा पर्सन है जो डिलिबरेटली क्या करता है, वो आग लगा देता है बिल्डिंग को। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, उसको हम ऑडिटर कहते हैं दोस्तों, जो कि ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, और दैट विच कैन नॉट बी अफेक्टेड, सॉरी एफेस्ड कहते हैं, इनडिलिबल कह सकते हैं, दैट विच कैन नॉट बी एफेस्ड, इनडिलिबल दोस्तों। कन्फर्ड एज एन ऑनर, जिसको हम हनोरिफिक कहते हैं, जो कि कन्फर्ड एज एन ऑनर, हनोरिफिक। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस और द लॉ, जिसको हम कहते हैं फ्यूगेटिक, जो कि जस्टिस से भाग जाता है और लॉ से, वो भगोड़ा कह सकते हैं या फ्यूगेटिव कह सकते हो, वो जस्टिस से डर लगता है उसको। ए पर्सन हु डिजर्व्स ऑल प्रेजेस, एक ऐसा इंसान है जिसको ऑल प्रेजेस की ज़रूरत है, उसको लॉडेबल कहते हैं। वन हु इज़ स्किलफुल यानी डेक्स्टरस, एक्सपर्ट कह सकते हो। इफ वंस ओन फ्री विल, जो कि वॉलंटरी से काम करता है, वॉलंटरी कह सकते हो, अपना मर्जी से। वन हु इज़ टू केयरलेस टू प्लान फॉर द फ्यूचर, वो ऐसा इंसान है जो कि काफ़ी केयरलेस होता है अपना फ्यूचर के प्लान करने के लिए, उसको हम इम्प्रोविडेंट कहते हैं दोस्तों। ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन्स, एक ऐसा ओपिनियन है जो कि कॉन्ट्ररी टू एक्सेप्टेड डॉक्ट्रिन, जो कि हेरेसी कह सकते हैं उस ओपिनियन को।
बस दोस्तों ये कुछ आप लोगों को काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आई हैड गिवन माई मैक्सिमम जो कि आपको डिस्कस करनी है, इतनी मैक्सिमम टफ पार्ट्स हमने डिस्कस किया है। अगर आपके एग्ज़ाम्स अगर है तो आप आराम से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। 20,000 PDF ऑफ GK और GS अगर आपको चाहिए, यू कैन आस्क एंड यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू माई YouTube चैनल। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।